अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कौन से ऐप लॉन्चर को यूज़ करते हैं, तो शायद आपका भी जवाब होगा कि पता नहीं। पर सिर्फ आप ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उसी ऐप लॉन्चर को यूज़ करते हैं जो उनके फ़ोन में पहले से दिया गया होता है। और अगर आप भी हैं इनमें से एक, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं स्वराज श्रीवास्तव, आपके टेक एक्सपर्ट। और ऐप रिव्यू की सीरीज के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कुछ बेस्ट ऐप लॉन्चर्स। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला ऐप लॉन्चर मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा वो है गूगल का गूगल नाउ लॉन्चर। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे गूगल नाउ लॉन्चर को सर्च करके इंस्टॉल करना है, और फिर कुछ परमिशंस देने के बाद आप इसे यूज कर पाएंगे। 4.3 रेटिंग और 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड वाली इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल बेस्ट ऐप लॉन्चर भी कह सकते हैं। इस एप्लीकेशन को पर्सनली मैं भी यूज करता हूं, तो अगर आप चाहें तो आप भी इसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। गूगल की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट भी एक जानी मानी कंपनी है, तो अगर गूगल का ऐप लॉन्चर प्ले स्टोर पे हो सकता है तो माइक्रोसॉफ्ट का क्यों नहीं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एरो लॉन्चर के नाम से एक ऐप लॉन्चर प्ले स्टोर पे अवेलेबल कराया है। तो अगर आप भी चाहें तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की रेटिंग 4.5 है और इसे 5 मिलियन से ज्यादा बार भी डाउनलोड किया जा चुका है। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऐसा ऐप लॉन्चर चाहते हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाएं, तो नोवा लॉन्चर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस ऐप लॉन्चर को भी 4.6 की रेटिंग मिली है और इसे भी 10 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो इन सारे ऐप लॉन्चर्स को आप यूज करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सारे ऐप लॉन्चर आपको कैसे लगे और कौन सा ऐप लॉन्चर आपके लिए बेस्ट है। तो ये था ऐप रिव्यू सीरीज का दूसरा एप्लीकेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसमें स्क्रीन का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा किसी वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।